असली एक्सेस तो इससे लगती है। पुटीन छे का तो ड्रामा ही डाला इन्होंने। अब देखने कैसे एक्स लगेगी। 45 40 47 नहीं बोलना पर क्या हो जाता है। 48 48 फिर लगाना पड़ेगा लगता। 50 51 शगुन का नंबर भी है 51। ओ, जिमी ये काम नहीं होंगे। क्या काम? अरे प्रोटीन शेक ला रहा हूँ कोसा। क्या क्या है? पक्का इसको हिला रहा था ना? हाँ ये बोतल ही है आदमी और कुछ है मेरे कोसा के। नहीं मुझे मुझे सच में पीछे से लगा तो कुछ और हिला रहा है। तेरी तेरी शक्ल गंदी है ना, पतला ऊपर से इतना। अरे इसको हिलाता रहता है। अरे लीन मसल है ये कोसा। इसको हिलाने से ना तेरी लीन मसल हो गई हो। एक्सेस भी लगा लिया कर 2 घंटे अभी इसको हिला रहा है। अरे इससे बॉडी बनती है कोसा, पीने से बॉडी बनती है। प्रोटीन शेक है ये। हिलाने से भी बनती है? हाँ प्रोटीन शेक हिलाने से बनती है। हिला लेना जिम बंद होने तक। आधा घंटे रह गए। 2 घंटे लगेंगे इसको बनने में। चल शाम को एक्सेस लगा लेना, हिलाता रहे। ठीक है कोसा, चलता हूँ। हाँ विकी जी कोसा, एक मिनट बात सुनो यार। जी कोसा। यार विकी तुम्हारी पिछले 3 महीने की फीस पेंडिंग है। वो कोसा अगले हफ्ते दे दूंगा आपको। वो क्या है कि वो दीदी की शादी की है ना, तो जीजा जी कार मांग रहे हैं तो उसमें पैसे लग गए हैं। और पापा की थर्ड किडनी का ऑपरेशन है कल, तो पैसों की जरूरत है। अगले हफ्ते दे दूंगा आपको कोसा। थर्ड किडनी की? हाँ थर्ड किडनी की वो ऑपरेशन है और एक आंख भी खराब है पापा की। भाई देख अगर तुझे फीस नहीं देनी तो मत दे, लेकिन इतने गंदे बहाने तो मत बना। कोसा बहाने नहीं लगा रहा, घर आके देख लो थर्ड किडनी खराब है पापा की। अगले हफ्ते दे दूंगा आपको, दे दूंगा। बच गया कोसा। कोसा एक एक एक, एक पाउच दे दो कॉफी का। एक सेट नहीं लगाया जा रहा, थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर तो खींच लवा। थोड़ी कॉफी कॉफी को और किसी को कॉफी होगी जिम दे पीछे। भाई तूने क्यों आज डाल रखी है कॉफी की? को सब कॉफी के बिना सेट लगता ही नहीं है। मतलब सेट समझ रही हो ना कौन सा करो? कॉफी के बिना लगता ही नहीं है। एक कॉफी जाएगी तो और उसके बाद मक्खन के जैसे सेट लगेंगे। एक 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 कॉफी का एक एक कॉफी का पाउच दे दो। अच्छा, थोड़ा खींच लो। अच्छा, अच्छा, है मंगाता हूँ मैं। हाँ शुक्रिया यार, थोड़ा वेट तो डाल। यार डाला नहीं बेड तूने? अरे डाल दिया है, 20 किलो डाल दिया है। अब यार वो डाल। हाँ लाइक मसल बनाने हैं यार। अब यार डाला कि नहीं? अरे 40 किलो हो गया यार, मजा नहीं आ रहा। तू दागे तो लगाएगा। तू ऐसा कर इसके ऊपर आ। पक्का? हाँ ऊपर आ इसके। रेडी? हाँ रेडी। लेट्स गो। आ रहा मजा। जिम में गालियां क्यों दे रहा है? नहीं 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 भाई, वो मैं बोल रहा था माफ कर माफ कर। वो आज थोड़ा क्रेजी हो गया था ना रात को। गुड गुड गुड, कंटिन्यू। या ब्रो, या यू आल्सो माफ कर। या माफ कर माफ कर। या माफ कर। रियली अ माफ कर। अरे कितना अच्छा लग रहा हूँ आज। नोनू का फोन। हेलो नोनू, कैसी हो? कैसा लग रहा हूँ मैं?
बस बढ़िया। और मेरे बाबू ने थाना थाया? नहीं, तुम फोन नहीं करती ना तो मेरा जिम लगाने का मन ही नहीं करता। कैसी बड़ी लग रही है मेरी बताओ तो सही। अच्छा लग रहा हो ना, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। लव यू बेबी। भाई ये सब बाद में कर लेना, जिम लगा लो पहले। बाबू वो तो बस ऐसे ही, ये देखो एक्सरसाइज लगा रहा हूँ मैं। 16 इंच का डोला हो गया मेरा। एटीट्यूड है अपना, कोच भी डरता है अपन से। हाँ बाबू 100 किलो उठाया है मैंने, 100 किलो। हेलो। हाँ आपका बेबी तो मर गया है और मैं आपका नया बेबी, द बेबी रिटर्न। सो हाउ आर यू? मेरे स्टीम लेने चले? अरे नहीं नहीं यार, एक्सरसाइज लगा रहे हैं। अरे मेरी बात मान, रंग साफ हो जाएगा, चल चल। अरे रंग साफ हो जाएगा, कोरोना वायरस नहीं होता है। डेल्टा एक्स का आपने बहुत ज्यादा इस टाइम आ रहा है ना, इसको लगा ले, अपने स्टीम लगा ले तो डेल्टा एक्स भी नहीं होगा, ना वाई होगा, ना जेड होगा। आज स्टीम नहीं चलते। अरे बोन मर इसके, स्टीम नहीं चलते। यस 45। ये ऐसे ऐसे एक्सरसाइज क्यों लगा रहे हो? 40। को साहब आपको कौन सा कल है? ये लगा रहे हो? जो मैन बुस बने होते ऐसे कम होते हैं। 47 नहीं, 47। मैं आर्नोल्ड हूँ, सुभाष, वो जिम का कोच हूँ मैं। अच्छा तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? 48। ये ऐसे ही लगाते हैं इसको सीधे से। आपको कौन सा कल है? नाप के पास बॉडी है, जैसे लगा रहे हो लगाने दो। अरे बॉडी से कुछ नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए बस। सीधा सीधा करो ऊपर ऐसे। हाँ और नीचे सीधा ऐसे। हाँ तुम तो ऐसे लगा रहे हो जैसे रुमाली रोटियां बना रहे हो। तो कुछ नया भी इनोवेट करना चाहिए ना, वही पुराने चले जाए। ऐसे नहीं, हम ऐसे लगाएंगे। बड़ी हो जाएगी तुम्हारी, बाहर को आ जाएगी तो बढ़िया है ना, मजे ही है। तो लगाने दो 48। ठीक है जैसे लगानी लगाओ, गलत है। जाओ 50। आराम से सीधा कर बांधो। हाँ वेरी गुड। अच्छा लगा लगाए कौन सा लगा? और ये लड़का बिना एनर्जेटिक सॉन्ग के तो लगाते ही नहीं एक्सरसाइज। नहीं लगाएगा तू? नहीं लगाएगा ये कोसब? लगाओगे ना कोसब? सिद्धू मूसेवाले का सैड सॉन्ग लगा दो कोसब। सिद्धू मूसेवाले का? अरे उसका तो कोई सैड सॉन्ग ही नहीं है। 2-3 आए हैं, वही रिपीट पे लगा दो। बहुत दुख के कोसा लगा दो। अच्छा लगाता हूं, लगाता हूं, तू रो मत, रो मत। तू लगा, तू लगा, तू लगा, तू लगा, तू लगा, कोसा लगाओ, गाने लगाओ। भाई तुम जो पिछले दुबई गए थे पिछले बार, बताया नहीं उसका कुछ? अरे गया था दुबई, वहां से 24 कैरेट का आईफोन 12 प्रो मैक्स ले आया। हां बस आता ही होगा रास्ते में। वो क्या है कि दुबई का वो शेख नहीं है, क्या नाम है उसका यार? वो मोहम्मद बिन राशिद। हाँ वो, अरे तेरे लिए होगा वो, मेरा तो लंगोटिया यार है, शेख हुआ है मेरा। अरे मुझे तो उसने फ्री में भेज दिया, मैंने तो कहा कि मैं नहीं लूँगा फ्री में, तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो एमिरेट एयरलाइंस के साथ जो पार्टनरशिप है ना मेरी, तोड़ दूँगा उसे। तो फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, पैसे दे देना। ज़्यादा महंगा नहीं था फोन, बस 3,40,000 का था। अरे हमारे लिए क्या है, छोटी सी रकम है, दे दिए। अच्छा वैसे आया कैसे तू यहाँ पे? मैं पैदल। पैदल आया? हाँ। जा यार मेरे वो तो पैदल। अरे मेरे साथ चोपर में चलना चाहते, बस चोपर है अपना। आज क्या फेंक रहे है? पता नहीं चोपर चोपर कर रहे हैं भाई। अरे वो चोपर तेरी एक्टिव उठा के ले गए बैंक वाले, जा छुड़ा के लेके आ। वो ले गए पता क्या, 6 महीने की इसने किस्तें नहीं दी हुई, हर रोज एक नया लड़का ढूंढता और ऐसे ही बकवास पीलता। जा जा फिर उनके पास जा, हाथ पैर जोड़ो फिर लेके आ। जा भाग यहाँ से।
ये हर रोज एक नया लड़का ढूंढता और ऐसे ही अपने झूठ बोलता है, कोई काम की बात नहीं। मैं कहूँ 1.5 लाख कहते वक्त इसके मुंह में क्यों फंस रहा है? इसके मुंह में तो हमेशा फंसता ही है। इतनी आवाजें क्यों निकाल रहे हो तुम यार? एक्सरसाइज का मजा ही आवाजें निकालने में। हाँ तो आवाजें निकालो। ओ मैन, यस मैन, ये तो मत करो। तुम्हारे घर के लड़कियां निकल गई सारी, हमारा इंटरेस्ट तो खत्म मत करो। यस बेबी, छोड़ो, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। करी चल। कोसा, मैं सोच रहा था अगर जिम में लड़कियां आ जाए तो क्या बात बन जाए। पता क्या है, अगर जिम में लड़कियां आ जाए ना तो बिना प्रोटीन पाउडर के हैवी वेट लगता है। हाँ, और अगर जिम में लड़कियां रखोगे ना तो दूर दूर तक चर्चे होंगे। अरे बढ़ जाएगा आपका जिम, नंबर वन जिम हो जाएगा। और क्या है कि लड़की आने से सेट भी ज़्यादा लगेंगे और एक आधी सेट भी हो जाएगी। अगर सेट होगी तो मेरा घर भी सेट हो जाएगा। भाई कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, मुझे तो ऐसा लग रहा है तू घर से ही सेट होकर आया होगा। ऐसे नहीं लगाओगे? अरे पहले पार्ट तो कर दीजिए। पिछले 1.5 घंटे से तुम पार्ट करो, एक्सेस भी लगा लो। मानो मेरी बात, बॉडी बनाने की जरूरत तुम्हें है। अरे भैया आप समझे नहीं, ये बॉडी है किसका? किसका? भगवान का। ओ तो बनाएगा कौन? भगवान और कौन? सुनील मेरी आंखें खोल दी, चल मैं भी तेरे साथ पार्ट ही करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर हैं मंड के पास, एक जिम है फैमिली फिटनेस, और योदा पाजी हमारे साथ हैं। काफ़ी अच्छा जिम है इनका, पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कैमरामैन प्लीज़ दिखाइए इनको। काफ़ी अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टीम है, काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं योदा पाजी। तो योदा पाजी, क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है आपका? साडा है 12,000 रुपया साल का, 2,000 रुपया महीने का, जिसे ट्रेनर भी तुम फ्री मिलता है, तो साड़ी क्रॉसफिट भी बहुत व्डा है, तो स्टीम भी है, शावर वगैरह सारा कुछ है। तो जिहड़ी फीस है वही लेंदे असीं, तो वगैरह ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, तो तुहानूं पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। थैंक यू भाई, तुहाडा आउण दा बहुत बहुत। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। वीरे शेयर कर देना, रब्दा वास्ता माता रानी देख रही, ना शेयर की तो पाप जरूर लगेगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।